हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल यूट्यूब चैनल। और आज की शॉर्ट नोटिस वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूं कि सीयूईटी, जी हाँ, जो सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स हैं जो इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं एमबीए के लिए, एमसीए के लिए या फिर और कोर्सेज के लिए, मास्टर के कोर्सेज के लिए, उन सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो एग्जाम सीटी है ना, उसका अपडेट आ चुका है। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां से जाकर के आप अपना एग्जाम सीटी चेक कर सकते हो। और आपका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जून से लेकर के 12 जून के अंदर आपका सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो आप अपना एग्जाम सीटी और डेट जरूर देख लें ताकि आप अपना प्रिपरेशन कर पाए अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, और बात करें, बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि भैया एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो देखो, एडमिट कार्ड जैसा कि आपको पता है 5 तारीख को है, तो 1 से 2 दिनों के अंदर आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, जिसका एग्जाम 12 को है, जैसे कि 5 को आपका एमसीए का एग्जाम है, 5 या 7 को, ठीक है, और 12 को या 12 या 13 जून को आपका एमबीए का एग्जाम है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है ना, कोर्स के हिसाब से 1 हफ्ते पहले आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि 1 से 2 दिन में, मतलब आज या कल में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाए। एग्जाम सीटी का जो डेट है वो आ चुका है, सॉरी, एग्जाम सीटी का जो अपडेट है वो आ चुका है। तो अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जो भी आपने फॉर्म भरा था उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना एग्जाम सीटी चेक कर सकते हो कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे गया हुआ है, आपको एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पे देना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो आप मतलब शेड्यूल बना सकते हो। ठीक है, अगर आपका दूसरी सिटी में, तो जाहिर सी बात है आपको 1 से 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो चाहते हो कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें ले जानी पड़ेंगी एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तो उस पर भी आप कमेंट करना, उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय।